फूड ब्लॉगिंग से ढेरों लोग लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं और आजकल हर कोई फूड ब्लॉगिंग को अपना पैसा बनाना चाहता है। कोई पैसों के लालच में तो किसी को फेम लेने का भूत सवार रहता है। आज के समय में इतने फूड ब्लॉगर हो गए हैं कि हर गली नुक्कड़ पर आपको कोई ना कोई इंसान एक सेल्फी स्टिक के साथ किसी दुकान या ठेले पर खड़ा होकर खाने के बारे में कम अपने चैनल के बारे में ज़्यादा बातें कर रहा होता है। लोग फेमस और वायरल होने के लिए ऐसी ऐसी खतरनाक चीज़ें कर जाते हैं जिसके रिजल्ट के बारे में उन्हें अंदाज़ा नहीं होता। आज हम इस वीडियो में आपको एक ऐसे ही फूड ब्लॉगर के बारे में बताने वाले हैं जो फेमस होने के लिए अजब गजब कारनामे करता है। अगर आप इसके किस्सों के बारे में सुनोगे तो आप दंग रह जाओगे। हैदराबाद के फूड ब्लॉगर मंसूर शेख ने अपने चैनल तेलुगु क्राइम फाइल्स 2023 पर एक ऐसी वीडियो अपलोड की जिसके बाद उन्हें लेने के देने पड़ गए। अब शायद ही वो कोई ऐसी वीडियो बना पाएंगे और उसे अपने चैनल पर अपलोड कर पाएंगे। अब आपके मन में कई ऐसे सवाल उठ रहे होंगे कि कौन है ये शख्स और ऐसा क्या इसने अपलोड कर दिया जो अब इसके एक आंसू की कीमत इसको करोड़ों रुपये में चुकानी पड़ रही है। ये मामला हैदराबाद के पैराडाइज फूड कोर्ट रेस्टोरेंट का है। 25 मार्च को मंसूर शेख नाम का एक शख्स रमजान के दौरान रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचा। बाहर आकर मंसूर ने एक वीडियो शूट किया और उसमें कहा कि यहाँ खराब और बासी हलीम परोसा जाता है। अब आपको बता दें, हलीम एक डिश है जो मांस, गेहूं और दाल से बनाई जाती है। मंसूर ने वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड कर दिया और तुरंत ही यूजर्स के कमेंट आने लगे, जैसा कि आमतौर पर होता है। नेगेटिव फीडबैक देखकर कुछ लोगों ने रेस्टोरेंट से जुड़े इस वीडियो पर नेगेटिव कमेंट करने शुरू कर दिए। देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गया। रेस्टोरेंट को जब वीडियो के बारे में पता चला तो उसके मालिक सीधे सिकंदराबाद के सिविल कोर्ट पहुंच गए। पैराडाइज फूड कोर्ट ने मंसूर शेख के चैनल तेलुगु क्राइम फाइल्स 2023 के खिलाफ 3 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा ठोक दिया। इसके बाद मामले की सुनवाई हुई और कोर्ट ने 4 अप्रैल को चैनल से वीडियो, उससे जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट और कमेंट हटाने के आदेश दिए। इसके साथ ही कोर्ट ने ARA TV चैनल से भी वीडियो को संबंधित लिंक हटाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी और अगर कोई और भी इस मामले में शामिल पाया जाता है तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। पैराडाइज फूड कोर्ट ने यह भी आरोप लगाया कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए उस आदमी ने रेस्टोरेंट से पैसे ऐंठने और उसकी बदनामी करने की साजिश रची है। पैराडाइज ने कहा कि उसकी वीडियो की वजह से उसे करोड़ों रुपये का कारोबार का नुकसान पहुँचा। पैराडाइज फूड कोर्ट के CEO गौतम गुप्ता ने कहा है कि ये मामला ऐसे कई दूसरे साजिश रचने वाले लोगों के लिए भी सबक होना चाहिए जो कंपनियों की छवि को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग ग्राहकों के भरोसे को भी खतरे में डालते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट क्राइम तक।